बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं ऑरेंज पाउंड केक, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। ऑरेंज का सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो ये रेसिपी ऑरेंज का सीज़न ख़त्म होने से पहले ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी एंड तक देखिएगा ताकि आपको रेसिपी समझने में आसानी हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो चलिए हमारी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम एक स्मॉल बाउल लेंगे और उसमें हम ले लेंगे एक अदद ऑरेंज, और इसका जो ऊपर की बारीक लेयर होती है ऑरेंज की, जो कि ऑरेंज कलर की बारीक लेयर होती है, उसे हम इस तरह से कश कर लेंगे। और इसका जो छिलका, जिसे कह लें बारीक लेयर, आपने निकाल लेनी बिल्कुल इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने इसे कश कर लिया। जब वाइट पार्ट नज़र आना शुरू हो जाए, सफ़ेद हिस्सा नज़र आना शुरू हो जाए, तो आपने छोड़ देना है। सफ़ेद हिस्से को आपने कश नहीं करना, वरना ये कड़वा हो जाएगा। इस तरह से आपने ऑरेंज के ऊपर की बारीक लेयर को कश करके ऑरेंज जिस तैयार कर लेना है। देखिए ऑरेंज जस्ट हमने निकाल लिया, एक टेबल स्पून के करीब ये है। अब हम जो ऑरेंज हमने इस तरह से कश किया था, उसी को हम कट करेंगे और उसका जूस निकाल लेंगे। एक अदद ऑरेंज का हम जूस ले रहे हैं। आपने मीडियम साइज का ऑरेंज लेना है। तो देखिए हमने ऑरेंज जूस भी निकाल लिया है, ये भी तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच होगा। इसे भी हम साइड पे रख देंगे। और अब हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। उसके लिए हम एक लार्ज बाउल लेंगे। बाउल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, किसी भी किस्म का उसमें पानी का एक ड्रॉप भी शामिल नहीं होना चाहिए। उसमें हम लेंगे शुगर 1/2 कप, इसे छान लेंगे इस तरह से, देखें। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद अंडे। अगर आपको एग्स पसंद नहीं तो इसकी जगह आप कुमेल या दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऑरेंज जेस्ट भी शामिल कर देंगे, 1 खाने के चम्मच के करीब ये है। इसमें बीटर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है। सारा केक आपने विस्क की मदद से बनाना है, तो बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल 1/2 कप। ऑयल की जगह आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल हमारे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस 1/2 चाय का चम्मच। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हम डालेंगे मैदा छानकर 1 कप। साथ ही हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा 1/2 चाय का चम्मच और 1 चुटकी नमक, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत तेजी से आपने मिक्स नहीं करना है, आराम आराम से आपने इसे मिक्स करना है। अब हम इसमें ऑरेंज जूस डालेंगे। इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करके हम इसमें शामिल करेंगे। देखिए इस तरह का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम ऑरेंज फूड कलर शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये होगा कि इसका कलर थोड़ा सा लाइट आएगा, लेकिन अगर आप चाहें, आपको अगर अच्छा सा कलर लाना है ऑरेंज का, तो आप इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर रेडी हो चुका है हमारा। अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे।
इस पैन को हमने पहले से ही ऑयल से ग्रीस किया हुआ था और इस पे हमने बटर पेपर भी लगा दिया है, तो आपने भी इसी तरह से कर लेना है। अपनी कई वीडियोस में हम पैन को ग्रीस करना सिखा चुके हैं, तो हमारी दूसरी केक की वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। अब इसमें हम अपना बैटर डाल देंगे जो हमने रेडी किया था। हम यहाँ पर पाउंड केक बना रहे हैं, इसलिए हम इस शेप का पैन यूज कर रहे हैं। आप किसी भी शेप का पैन यूज कर सकते हैं। इसे हम एक दो दफा झिड़क देंगे ताकि इसमें बबल्स ना बने। तो यहाँ पर हमने लार्ज साइज की देचकी ली है, उसमें हमने एक स्टैंड रखा है और उसे हमने मीडियम फ्लेम पर पहले से गरम कर लिया था। अभी अच्छे से गरम है, इसकी फ्लेम हमने लो कर दी है और इसमें अब हम अपना बैटर रख लेंगे। इसे आपने अच्छे से ढकना है ताकि इसमें कोई भी हवा पास ना हो, तो हम इसे अच्छे से ढकने के लिए इस पर एक अदद कपड़ा डाल देंगे। इसे हम 30 मिनट तक बेक करेंगे। तो देखिए हमारा केक रेडी है, 30 मिनट हो चुके हैं इसे रखे हुए, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा फूल गया है, केक का कलर भी कितना अच्छा आया है। तो हमारा केक रेडी हो चुका है, अब इसे हम चेक कर लेंगे। अगर नाइफ पे केक लगा हुआ आए तो इसका मतलब आपका केक रेडी नहीं है, लेकिन अगर नाइफ क्लीन निकले तो इसका मतलब आपका केक रेडी है। तो ये क्लीन है तो इसका मतलब हमारा केक रेडी है, तो अपना केक निकाल लेंगे। हमारा मजेदार सा ऑरेंज पाउंड केक रेडी है। अब इसे हम साइड पर रखकर ऑरेंज ग्लेज रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक खाने का चम्मच के करीब हमने लिए यहाँ पर शुगर और साथ ही हमने यहाँ पर एक चाय का चम्मच लिया है ऑरेंज फूड कलर। इसे हम मिक्स कर लेंगे और जब तक शुगर डिजोल्व हो जाए अच्छे से, इसे आपने मिक्स करना है। देखिए शुगर अच्छे से डिजोल्व हो चुकी है। आपको जितनी ज्यादा ग्लेज बनानी है, जितनी ज्यादा ग्लेज पसंद है, आप उतनी ज्यादा बना सकते हैं, हमने थोड़ी सी बनाई है। अब हम अपना केक निकाल लेंगे, नाइफ की मदद से हम इसे सेपरेट कर लेंगे पैन से इस तरह से। बटर पेपर जो हमने लगाया था उसे भी हम हटा देंगे इसके ऊपर से। तो देखिए अब इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट है ये। अगर आप चाहें तो ग्लेज के बगैर भी इसे खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। आप इसे इवनिंग में चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। और इसमें ऑरेंज का बिल्कुल भी कड़वा टेस्ट नहीं आया है। अक्सर जो ऑरेंज केक होते हैं उसमें ये शिकायत आती है कि भाई ऑरेंज का इसमें कड़वा टेस्ट आ रहा है, तो इसमें बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि हमने इसमें ऑरेंज का सिर्फ वो बारीक छिलका शामिल किया है, इसका हमने वाइट जो पार्ट होता है वो शामिल नहीं किया। तो आपने भी इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप वाइट हिस्सा जो है वो शामिल ना करें, सिर्फ आपने जो बारीक लेयर है ऑरेंज की वही शामिल करनी है। आप अपने हिसाब से कोई भी अपनी फेवरेट टॉपिंग कर सकते हैं इसके ऊपर, किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। तो हमारा मजेदार सा ऑरेंज केक रेडी हो चुका है, देखिए कितना मजेदार और एक्स्ट्रा सॉफ्ट है। तो हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार सी। यकीनन आपको रेसिपी पसंद आई होगी, रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप मजीद अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप फेसबुक पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर अगर आप रेसिपी ट्राई करें तो उसकी पिक्चर लेके हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो अब मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहिए। आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगेबान।